हेलो गाइस, रंजीत दिस साइड। आज के ब्लॉग पे हम आए मम्मी को लेने, और मेरे साथ है मेरा भाई, पापा गाड़ी के अंदर है और दीदी हैं। दीदी कहाँ गई? दीदी ये रही हैं। सो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पापा गुस्सा होने लगे थे, मेरे कैमरा शूट कर रहा था और शूट करने की वजह से वो गुस्सा हो रहे थे। उन्होंने बोला कि तू हर जगह कैमरा लेके चालू हो जाता है, तो यहाँ मैंने डर डर के शूट किया था। उनका बैकग्राउंड ही शूट किया था, आगे से कुछ शूट नहीं किया था मैंने, ताकि उनको पता ना चले कि मैं शूट कर रहा हूँ उन लोगों को। तो काफ़ी डर के शूट कर रहा था मैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, क्राउड की वजह से निकलना मुश्किल हो रहा था हम लोगों का, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि ट्रेन का टाइम हो गया, मम्मी तो वहाँ पहुँच रही होंगी, तो हम बहुत जल्दी जल्दी में निकल लेते। पापा तो बी आई पी एम टी की तरफ से निकल गए थे, बट हम लोग वो वर्दी में थे और हम यहाँ से जा रहे थे। वहाँ पे जब देख रहे हैं तो पुलिस कांस्टेबल थे, उन्होंने मुझे रोक लिया था क्योंकि मैं यहाँ शूट कर रहा था। मतलब फाइनली जाते जाते मेरी डांट लग चुकी थी। मतलब ये बात मेरे भाई और दीदी ने पापा से नहीं बोली थी, बट उन्होंने मुझे साइड से बुला लिया था कि शूट कर रहे हैं। यहाँ ट्रेन आ चुकी थी, तो हम ट्रेन का वेट कर रहे थे कि मम्मी कौन से मतलब उसमें होंगी। तो हम यहाँ ट्रेन के जो होते हैं ना, वो डब्बे काउंट कर रहे थे, क्योंकि मम्मी बी सेवन में बैठे हुए थे। तो डर के मैं शूट कर रहा था क्योंकि पापा आगे जा रहे थे। मम्मी को लेने के लिए सबको इतना एक्साइटमेंट हो रहा था कि सब भाग रहे थे कि हाँ मतलब मम्मी कहाँ होगी, कैसे उतरेगी, क्योंकि मम्मी के पास बहुत सारा लगेज भी था और फर्स्ट टाइम मम्मी ट्रेन से आई थी, तो उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस। आ गए, कैसा लगा? अच्छा लगा।